केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लॉकडाउन 4.0 पर गुरुवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की है। उन्होंने लॉकडाउन 4.0 को लेकर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के विचार जाने। अमित शाह ने लॉकडाउन 4.0 के वर्तमान हालात पर चर्चा की है। गृह मंत्री ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से 31 मई के बाद लॉकडाउन पर उनके राज्यों की क्या राय है और वह आगे क्या सोचते हैं, इस पर उनके विचार जाने। बता दें कि लॉकडाउन 4.0 की अवधि 31 मई को खत्म हो रही है, तो क्या अब देश में 5.0 लागू होगा? फिलहाल सबकी नजर इस पर जारी है। बता दें कि सरकार का लॉकडाउन 5.0 पर मंथन जारी है। लॉकडाउन 4 के खत्म होने के पहले ही लॉकडाउन 5 की आहट सुनाई देने लगी है। 31 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करेंगे। सूत्रों का कहना है कि मन की बात में पीएम मोदी बहुत कुछ साफ कर सकते हैं। वैसे सूत्रों का यही कहना है कि 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन का बढ़ना लगभग तय ही है। सरकार ज्यादा छूट देकर अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश करती हुई दिख रही है, लेकिन जो जिले कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, उन्हें इस बार राहत मिलने की उम्मीद कम ही है। सूत्रों के मुताबिक लॉकडाउन 5 में 11 शहरों पर सख्ती जारी रहेगी। ये वो शहर हैं जहां कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। अब जिन शहरों में पाबंदी जारी रह सकती है वो कुछ इस तरह है: दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, पुणे, ठाणे, इंदौर, चेन्नई, अहमदाबाद, जयपुर, सूरत और कोलकाता। इन 11 शहरों में भारत में कुल कोरोना संक्रमित केस के 70% मामले मिले हैं, जबकि अहमदाबाद, दिल्ली, पुणे, कोलकाता और मुंबई में ये और खतरनाक हैं। यहाँ देश के कुल मरीजों के 60% लोग पाए गए हैं। वहीं लॉकडाउन के 5वें चरण में केंद्र की ओर से धार्मिक स्थलों को खोलने की छूट दी जा सकती है, लेकिन नियम व शर्तें लागू रहेंगी। लॉकडाउन 5.0 के दौरान सभी जोन में सैलून और जिम को खोलने की इजाजत दी जा सकती है, सिर्फ कंटेनमेंट जोन को छोड़कर। बताया ये भी जा रहा है कि शादी और अंतिम संस्कार में कुछ और लोगों को शामिल होने की छूट भी दी जा सकती है। तो पीपल्स, इसी के साथ करता हूँ इस वीडियो को खत्म। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही लगातार अपडेट्स पाने के लिए जुड़े रहें हिंदुस्तान मिरर के साथ। धन्यवाद।